अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। या आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है तो गरीब हिंदू तक तकी लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर, 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, 56 लाख गरीबों का मकान मिला, कोई भेदभाव नहीं। 2.5 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय बने, कोई भेदभाव नहीं। लगभग 2 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा, कोई भेदभाव नहीं। बहनों और भाइयों, 1.56 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, कोई भेदभाव नहीं। 14 लाख किसानों के बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। करोड़ों किसानों के से हम उनके धान और गेहूं की एमएसपी के दाम पर उपज खरीदते हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। प्रदेश में 15 करोड़ और देश में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं।